भाई मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दोगे क्या? मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दोगे? KFC खाएगा? ले तो खा लूँ। तेरी औकात है KFC खाने की? मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है मैंने। क्या? मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है मैंने, कुछ खाने के लिए दे। तुम्हारी औकात है KFC खाने की? दे दे, मैं खा लूँगा। औकात है तुम्हारी KFC खाने की? दफा हो जाओ इधर से, दिमाग ना खराब करो। खाने दो सुकून से, गरीब पता नहीं किधर से आ जाते हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। जाओ इधर से भाई, प्लीज खाने के लिए दे दो, बहुत दिन से भूखा हूं, खाने के लिए दे सर। लेकिन गिरा हुआ माल नहीं खाता। रुको, खाओ इसको अभी। यूं की अल्लाह की लाठी बेवाज, अल्लाह तुमसे इसका। जी मैंने देखा आप वहाँ से उन भाई के साथ से कुछ गुफ्तगू करके आए और यहाँ पे आके बैठ कर रोने शुरू हो गए, ऐसा हुआ क्या है, माजरा क्या है? मैंने उस भाई से खाना। चलें चलें, आप बुरा ना मनाएं, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, लेकिन अल्लाह इसे साथ लेगा एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखें यहाँ के लोगों को, अमीर लोगों को बात करने का सलीका नहीं है। पैसा कुछ आ जाए तो वो गरूर में आ जाते हैं। आपने अपने अपने मॉरल्स नहीं गिराने, अपने आप को अकील नहीं समझाना। वो मेरे पड़ोसी ही हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी, लेकिन मैं उनसे जाके पता करता हूँ उन्होंने ऐसा किया क्यों है, जाके बात करता हूँ उनसे। आप परेशान मत हों। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब, कैसे हैं? हाँ बिल्कुल बैठे। खाना नहीं सेक्रेटरी साहब, बहुत शुक्रिया। अभी एक भिखारी आया था, दिमाग खराब कर रहा था। अच्छा, हमें पता नहीं किधर से आ जाते हैं, सिक्योरिटी को मना करना है आज जाके कि ये जो भिखारी आ जाते हैं उन सुकून के लिए, खाने भी कुछ नहीं देते, इनको किसने इजाज़त दी है यहाँ पे होने की? दिमाग खराब करते हैं, बंदे को खाने नहीं देते, औकात है KFC खाने की, आके इधर मांगने शुरू हो जाते हैं ये लोग। सेक्रेटरी साहब मैं उसकी शिकायत ही लेके आपके पास आया था। उसकी क्या शिकायत है एक भिखारी की, तुम मेरे पास शिकायत लेके आते हो, क्या शिकायत साहब? वो बेचारा रो रहा था बैठ के और अल्लाह से फरियाद कर रहा था, उसकी आँख से डरे आप। उसने मुझे बताया आपने उसके ऊपर खाना फेंका और उसको अपने पैसे का रोक दिखा मुझे तंग किया। मैं खा रहा हूँ KFC, उसकी औकात है KFC। सेक्रेटरी साहब क्या दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है?
आप किस चीज़ की इजाज़त जानना चाहते हैं मुझसे? देखें, जो भी आपने अमल उस बेचारे के साथ किया, उस गरीब के साथ किया, नहीं वो आके तंग कर रहा है मुझे, ये सिक्योरिटी से पूछना है कि ये गरीबों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? आज आपको अल्लाह गरीब की औकात क्या कि सिक्योरिटी में दाखिल हो, इस सोसाइटी में दाखिल हो? देखें, औकात किसी की भी नहीं है। मैं नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपको सुनाना चाहता हूँ कि किसी गोरे को काले पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। जब नबी अल्लाह ने हमें ये बात समझा दिया तो हम आज कुछ चंद दिवस कुछ पैसों के हम उस दौलत पे गरूर करते हैं और गरीब को माशरे का दबा समझते हैं, ऐसा क्यों है सेक्रेटरी साहब? आपको शायद हकीकत का नहीं पता, मैंने उसकी औकात देखनी थी, उसको मैंने 2500 रुपया फेंका तब उसने उठाया, लेकिन पहले वो खाना क्यों नहीं उठा रहा था? गरीब अगर हमदर्द होता, मैंने खाना फेंका है, रिजक था, उठा लेता, पैसा फेंका तब उठाया, उसकी ये औकात है? ये गरीब लोग हमेशा गरीब लोगों के दिलों में ही नफरत होती है, अमीर बंदा कभी दिल में नफरत नहीं रखता। देखें सेक्रेटरी साहब, आज आपके पास पैसे, कल उसके पास होगा, उसकी आज से डरें। जी सर, बस भाई साहब ये पार्क में बैठे हुए आ रहे हैं भाई साहब आपके पास, ये पहुंचे भाई साहब। ओके भाई साहब, आप वेट करें, कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करें। ओके जी सर, ये कह रहा था आपको, बेचारा बैठा हुआ है वहाँ पे, रो रहा है, उसके दिल से कोई, चलें उसी की गलतियाँ मान लेते हैं, उसके दिल से आ निकल गई, आए उससे आके माफ़ी मांग लें। देखें आज आप नेशनल असेंबली में जाते हुए वो धमकी दे के गया, नेशनल असेंबली को छोड़ो, जाते हुए वो ये धमकी दे के गया मुझे कि अल्लाह की लाठी पे आवाज है, तुम पकड़े जाओगे। किस चीज़ का पकड़ा जाऊंगा यार, ये इंसानियत है? मौलाना सर आप मेरी बात सुने, मैं वहाँ पे बैठ के, मैसेज आ रहे हैं भट्ट साहब आए हुए इंग्लैंड से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ एक बार उससे आके थोड़ा से अच्छे तरीके से बात ही कर लें, नहीं, नहीं, ताकि उसके दिल से बात निकल जाए, वो गरीब है, जरूरत नहीं है, गरीब लोग थे बोलों से बिक जाते हैं, नहीं जरूरत नहीं है भैया, थर्ड क्लास के लोगों से मैं माफी मांगूंगा, ऐसी बात कर मिलेंगे सेक्रेटरी साहब, ये थर्ड क्लास लोगों से मैं माफी मांगूंगा, ओके अल्लाह हाफिज़ सेक्रेटरी साहब, अल्लाह की। आप व्हाट्सएप को कॉल कर लेता हूँ। सब बस आपको ही कॉल की थी, आ जाए आप, नहीं बस सेक्रेटरी साहब अल्लाह की लाठी पे आवाज है। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, क्यों इंसान दुनिया में आने के बाद दुनिया में आने का मकसद भूल जाता है, क्यों वो ये भूल जाता है कि वो भी मिट्टी से ही बना है और उसने मिट्टी में ही जाना है। इस वीडियो को बनाने का और आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम दुनिया में आने का सलीका सीखें। हदीस मुबारक, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को अजमी पर, इसका मफहूम अगर देखा जाए तो इसके मफहूम में ये बात वाजह तौर पे बयान कर दी गई है कि हमें पैसे के इवज किसी इंसान को हकीर नहीं समझना चाहिए। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल हैं। हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि जितना हो सके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से न जाने कितने लोग अपने सोचने का और अपना ज़िंदगी गुजारने का तर्ज अमल सुधार सकते हैं। तो जी नाज़रीन, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, रूट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ अल्लाह हाफिज़।